गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल ऑन स्पार्कलिंग डीवा। तो आज मैं आप सब लोगों के लिए एक काफ़ी इंटरेस्टिंग मेकअप लुक ट्यूटोरियल लेकर के आई हूँ, जिसमें मैं आप लोगों को सिखाने वाली हूँ ऑरेंज सनसेट मेकअप लुक ट्यूटोरियल। तो चलिए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं आज का ये वीडियो। तो सबसे पहले मेकअप शुरू करने से पहले मैं यहाँ पे अपने स्किन को प्रेप कर लूँगी। तो इसके लिए सबसे पहले हमें टोनर अप्लाई करना होता है, तो मैं यहाँ पे गुड वाइब्स का टोनर यूज़ कर रही हूँ। टोनर यूज़ करने से एक हाइड्रेशन हमारे स्किन को पहुँचता है एंड पोर्स भी क्लोज कर देता है। देन अब बारी आती है मॉइस्चराइजेशन की, तो मॉइस्चराइज़र कभी भी आप स्किप ना करें मेकअप शुरू करने से पहले। तो मैं यहाँ पे नीविया का मॉइस्चराइज़र यूज़ कर रही हूँ एंड अप टू द नेक एरिया हमें यहाँ पे मॉइस्चराइज़ करना है। तो मैं अच्छी तरीके से डॉट स्प्रेड करके देन अच्छे से ब्लेंड कर लेना है। देन नेक्स्ट स्टेप इज़ द प्राइमर। मैं यहाँ पे NYB का प्राइमर यूज़ कर रही हूँ। प्राइमर भी अप्लाई करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, बिल्कुल हल्का सा अमाउंट हमें लेना है ताकि ये हमारे एक मेकअप को मैट फिनिश दे एंड ऑल्सो ये हमारे स्किन में एक बैरियर की तरह काम करता है बिटवीन अवर स्किन एंड द मेकअप, एंड मेकअप के हार्मफुल इफेक्ट से ये हमें बचा करके रखता है। तो अप टू द नेक एरिया इसको भी कवर करना है। देन उसके बाद अब मैं यहाँ पे फाउंडेशन अप्लाई कर लूँगी। मैंने यहाँ पे हुडा ब्यूटी का फाउंडेशन लिया बिल्कुल थोड़ा सा, एंड ये जो फाउंडेशन है वो आपके स्किन कलर से मैच करता हुआ होना चाहिए। एंड इस तरीके से मैं पहले डॉट्स में स्प्रेड कर लूँगी क्योंकि ये काफ़ी ईजी हो जाता है देन फाउंडेशन को अप्लाई करना। एंड नेक को तो कभी नहीं भूलना चाहिए, ये वरना आपका नेक का कलर अलग जाएगा और फेस का अलग। तो ये अप्लाई हो चुका है। देन अब आती है बारी यहाँ पे कंसीलर अप्लाई करने की। आपका किसी तरह का कोई हाइपर पिगमेंटेशन या फिर डार्क स्पॉट्स या एक्ने या मार्क्स है या फिर डार्क सर्कल्स है, उसको आप अच्छी तरीके से इससे ब्लर आउट कर सकते हैं। मुझे यहाँ पे ज़्यादा अप्लाई करने की ज़रूरत नहीं पड़ती, हल्का हल्का मैं अप्लाई कर लेती हूँ। देन ब्यूटी ब्लेंडर की मदद से मैं इसको अच्छी तरीके से ब्लेंड कर लूँगी। तो ब्लेंड करना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, अच्छी तरीके से ब्लेंड करना डैबिंग मोशन में, दैट टू। तो इस तरीके से अप्लाई हो चुका है। देन अब जितना भी मैंने बेस तैयार किया है उसको मैं कॉम्पैक्ट पाउडर की मदद से यहाँ पे सेट कर लूँगी। तो कॉम्पैक्ट पाउडर की मदद से मैं यहाँ पे अच्छी तरीके से कंसीलर एंड फाउंडेशन जो मैंने लगाया है उसको मैं अच्छी तरीके से यहाँ पे सेट कर लूँगी। तो अगेन यहाँ पे हमें नेक एरिया पे भी इसे अप्लाई करना नहीं भूलना है अगेन। तो अब मैं इसको इस तरीके से अच्छे से सेट कर लूँगी पूरे बेस को, एंड ये लग चुका है ऑलमोस्ट। एंड नेक पार्ट में भी मैंने इसको अप्लाई किया है। देन उसके बाद मैं यहाँ पे अभी लिपस्टिक लगाना बाकी है, तो मैं सबसे पहले मैं यहाँ पे लिप बाम अप्लाई कर लूँगी तब तक। एंड देन उसके बाद जितना भी मेरा बेस तैयार हुआ है उसको मैं मेकअप फिक्सर की सहायता से यहाँ पे पहले फिक्स कर लेती हूँ। तो ये फिक्सर अप्लाई हो चुका है यहाँ पे। देन उसके बाद अब मैं यहाँ पे ब्रश कर लूँगी अपने ब्रोज़ को फिल करने से पहले। एंड अब मैं यहाँ पे NYBA का ब्रोज़ पेंसिल यूज़ कर रही हूँ जिससे कि मैं अपने ब्रो को फिल कर लूँगी। ब्लैक शेड में है ये, एंड मैं बिल्कुल लाइट सा फिल करती हूँ ताकि थोड़ा एक नेचुरल इफ़ेक्ट आए, बहुत ज़्यादा डार्क मैं कभी भी नहीं रखती हूँ। एंड एक तरीके से हमें आई मेकअप में डेफिनेशन मिल जाता है, इसलिए मैं आई मेकअप करने से पहले ही इसको अप्लाई कर लेती हूँ ताकि मुझे पता लग जाता है कि मुझे कितने हद तक अपना आई शेडो अप्लाई करना है। एंड ये ऑलमोस्ट लग चुका है। एंड इसके बाद अब मैं यहाँ पे एक ऑरेंज शेड ले रही हूँ, डार्क ऑरेंज सबसे पहले एज अ ट्रांजिशन शेड। देन एक्सेस मटेरियल को रिमूव कर दीजिए। देन उसके बाद अब मैं इसको अप्लाई कर लूँगी ऑन आर क्रीज एरिया। सबसे पहले आई शेडो एप्लीकेशन पे मैंने एक मेकअप वीडियो बनाया हुआ है, अगर आपने वो नहीं देखा तो मैं लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी, ज़रूर जा करके चेकआउट कीजिए। ईजिएस्ट मेथड बताया मैंने वहाँ पर आई शेडो एप्लीकेशन का। तो अब ये क्रीज एरिया पे अप्लाई कर चुकी हूँ मैं, ऑरेंज शेड मैंने पिक किया था। अब थोड़ा सा रेडिश टाइप का शेड है ये, मैं आउटर वी कॉर्नर पे अप्लाई करने वाली हूँ क्योंकि आउटर वी कॉर्नर पे एक्चुअली हम लोग थोड़ा सा डार्किश टोन लेते हैं, जो ट्रांजिशन टोन लिया था उससे काफ़ी ज़्यादा डार्किश टोन होता है। तो रेड कलर से मैं यहाँ पर आउटर वी कॉर्नर पर अप्लाई कर लूँगी। एंड उसके बाद मैं थोड़ा येलोइश शेड ले रही हूँ जो कि मैं लीड एरिया पे अप्लाई करूँगी, थोड़ा सा सनसेट का इल्यूजन हमें यहाँ पे क्रिएट करना है। तो ये येलो कलर मैंने ले लिया है एंड येलो कलर को मैं लीड एरिया पे अप्लाई कर लूँगी। देन इसके बाद मैं अगेन एक रेडिश शिमर शेड लूँगी, तो इससे मैं हाईलाइट कर लूँगी अपने इनर कॉर्नर्स और ब्रॉ बोन को। तो इनर कॉर्नर को भी मैं हाईलाइट कर लूँगी इस तरीके से एक रेडिश शिमर शेड से। एंड देन
ये काफ़ी हमारे आईज को पॉप अप करता है, बड़ी दिखाता है हमारे आईज को, एंड ऑल्सो ब्राउ बोन्स को मैं यहाँ पे हाईलाइट कर लूँगी। ये करना काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है अगर आप आई मेकअप, अट्रैक्टिव आई मेकअप चाहते हैं। तो ये मेरा अप्लाई हो चुका है, देन उसके बाद मैं यहाँ पे आई लाइनर अप्लाई कर लूँगी। विदाउट आई लाइनर तो आई मेकअप कम्प्लीट होता ही नहीं है। तो एन वाई मेकअप ब्लैक आई लाइनर मैं यहाँ पर यूज़ कर रहा हूँ, काफ़ी अच्छा है ये आई लाइनर, काफ़ी समय से मैं इसको यूज़ कर रही हूँ। तो इस तरीके से मैं यहाँ पर एक विंग आई लाइनर क्रिएट कर लूँगी, एंड ये मैं लगा चुकी हूँ इसको। एप्लीकेशन बहुत ज़्यादा परफेक्ट है इसका, एंड ये मैंने विंग क्रिएट कर लिया है। एंड इसी तरीके से आप दूसरे आईज पे भी आईलाइनर को अप्लाई कर लीजिए। देन उसके बाद अब बारी आती है यहाँ पे मस्कारा का, तो मैं यहाँ पे ब्लू हेवन का मस्कारा यूज़ कर रही हूँ। तो मस्कारा भी यूज़ करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है अगर आपकी आंखें छोटी हैं, तो इससे एक काफ़ी ज़्यादा पॉपअप में हो जाता है हमारे आईज़, एंड ऑल्सो जो हमारे लैशेज़ हैं उनमें वॉल्यूम क्रिएट हो जाता है। तो लोअर आई लैश को कभी ना भूलें, अपर लैश तो करना ही है, लोअर आई लैश में भी ज़रूर मस्कारा अप्लाई करें, एंड इसी तरीके से दूसरी आई लैश पे। एंड उसके बाद मैं यहाँ पे ब्लशर अप्लाई करूँगी। तो स्विस ब्यूटी का पैलेट मैंने यहाँ पे यूज़ किया है जिसमें दोनों ब्लशर एंड हाइलाइटर है, तो ब्लश मैं यहाँ पे अप्लाई कर लूँगी। तो ब्लश यहाँ पे अप्लाई हो चुका है, देन अब बारी आती है हाइलाइटर अप्लाई करने की चीक बोन्स पे, देन नोज पे, चिन एरिया, क्यूपिड बोन्स, ब्रॉ बोन्स एंड फोरहेड एरिया पे। देन उसके बाद अब बारी आती है लिपस्टिक अप्लाई करने की। मैं यहाँ पे ओरिफ्लेम का लिपस्टिक यूज़ कर रही हूँ इन दी शेड रोमांटिक पिंक। लिंक मैं सारे प्रोडक्ट्स के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आप लोगों को प्रोवाइड कर दूँगी, आप जाकर के चेकआउट कर सकते हैं। एंड ये अप्लाई हो चुका है, एंड जितना भी मेकअप हुआ अगेन इसको मैं मेकअप फिक्सर की सहायता से इसे फिक्स कर लूँगी। एंड अब बारी आती है एसेसरीज़ की, यहाँ पे मैं ईयरिंग्स पहन लूँगी, पिंक कलर के टैसल्स वाले ईयरिंग्स। एंड देन उसके बाद दुपट्टा, कलरफुल दुपट्टा जो कि इस मेकअप लुक के साथ में परफेक्ट जा रहा है। मेकअप लुक यहाँ पे कंप्लीट होता है। अगर वीडियो आपको पसंद आया तो प्लीज़ लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिए और कमेंट बॉक्स पे कमेंट करके ज़रूर बताइए कैसा लगा वीडियो। एंड अगर आप मेरे चैनल में नए आए तो प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल एंड हिट दैट बेल आइकन सो दैट यू कैन गेट लेटेस्ट अपडेट्स एंड नोटिफिकेशन ऑफ माई चैनल। टिल देन बाय बाय, टेक केयर, विल मीट इन द नेक्स्ट वीडियो।